खरगोन में आज बोहरा समाज ने घर में ही ईद का त्यौहार मनाया। शहर में कर्फ्यू की छूट के दौरान भी धार्मिक स्थल बंद होने के चलते घर पर ही बोहरा समाज ने ईद पर इबादत की। पवित्र रमजान माह में इबादत के बाद ईद की खुशी समाजन में देखी गई। प्रशासन के निर्देशानुसार घर पर ही ईद का त्यौहार मनाने को लेकर बोहरा समाज का कहना था कि समाज हमेशा प्रशासन के साथ रहता है। ईद के दौरान विशेष नमाज में ऊपर वाले से खरगोन शहर सहित देश में अमन भाईचारा की दुआ की। बोहरा समाज के लोगों से खास बातचीत की। लोगों का कहना था कि घर में रहकर उत्साह उमंग से ईद का त्योहार मनाया गया। ऊपर वाले से दुआ की है कि शहर में अमन भाईचारा लौटे। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। इस माहौल में क्या है कि घर पे ही ईद का मिलन हो रहा है और बाकी जो है कि जो रिश्तेदारियों में जाना आना होता है वो जाना आना नहीं हो पा रहा है प्रशासन के जो आदेश के अनुसार, और घर पे ही मिलन समारोह हो रहा है और जितना भी है टेलीफोनिक ये वो मोबाइल से ही ईद की मुबारकबादी वगैरह दी जा रही है। वो फोनिक आ रहा है सभी के रिश्तेदारों के इनके उनके, और इस तरह से त्यौहार अच्छे से है, खुश है एकदम, कोई जीत की परेशानी नहीं है। ऊपर वाले से क्या कामना करेंगे? ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि हमारे शहर में जो ये माहौल बना हुआ है ये माहौल जरा अच्छा, खुदा से यही दुआ करी है 20 रोज तक हमने कि ये माहौल को हमारे यहाँ से अमन चैन कायम किया जाए, और हमने इस जैसी दुआएं करी है देश में भी ऐसी अमन चैन कायम रहे जो जहाँ जहाँ ये फसाद ये वगैरह हो रहा है। क्या नाम है आपका? जौहर भाई, लोखंड जाएंगे। घर पे ही जो है ईद तो मनाए, रमज़ान के 20 दिन पूरे ही जो है ईद पे ही नमाज पढ़ी, और अभी आज ईद का जो पवित्र दिन आया है पूरे रमज़ान के बाद में वो भी घर में ही मना रहे हैं, आपस में घर में ही मिलन ईद मिलन वगैरह रखा है, बाहर तो सवाल ही नहीं निकलने का। प्रशासन के जो निर्देश है वो हिसाब से जो है घरों में ईद मनाई। तो उत्साह रहा पूरा ईद में? हाँ उत्साह तो, अब वो क्या है, उत्साह तो रहा है, बाकी फिर भी जो चाहो वो उत्साह नहीं है। क्या नाम है? मैं जैनुद्दीन बोहरा।